ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण दसमो स्कंध पूर्वार्ध पहलो अध्याय। भगवान द्वारा पृथ्वी ने आश्वासन, वसुदेव देवकी ना लग्न अने कंस द्वारा देवकी ना छ पुत्रों नी हत्या। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राग्नं चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राजा परीक्षिते पूछ्यु, भगवन तमे चंद्रवंश अने सूर्यवंशना विस्तारनु तथा आ बन्ने वंशमां थयेला राजाओना परम अद्भुत चरित्रोनु वर्णन कर्यु। हे भगवानना परम प्रेमी मुनिवर, तमे स्वभावेज धर्म प्रेमी एवा यदु वंशनु पण विस्तार थी वर्णन कर्यु। हवे कृपा करीने तेज वंशमां पोताना अंश श्री बलरामजी साथे अवतारेला भगवान श्री कृष्णनु परम पवित्र चरित्र पण अमने संभळावो। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणीओना जीवन दाता अने सर्वात्मा छे। तेमणे यदु वंशमां अवतार लईने जे जे लीलाओ करी ते विस्तार थी अमने कहो। केम के जेमनी तृष्णानी प्यास हमेशने माटे छिपाई चुकी छे तेवा जीवन मुक्त महापुरुषो जेनु पूर्ण प्रेम थी अतृप्त रहीने गान करे छे, मुमुक्षु जनो माटे जे भव रोगनु रामबाण औषध छे तथा विषय लोको माटे पण तेमना कान अने मनने परम आनंदाई छे एवा भगवान श्री कृष्णचंद्रना सुंदर सुखद रसाळ गुणानुवाद थी पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य सिवाय एवो कोण छे जे विमुख थई जाय तेने प्रेम न करे। जारे कुरुक्षेत्रमा महाभारतना युद्धमा देवताओने पण जीती लेनारा भीष्म पितामह वगैरे अतिरथियो साथे मारा दादा पांडवोनु युद्ध थई रह्यु हतु, ते समये कौरवोनी सेना तेमना माटे अपार समुद्र जेवी हती जेमा मोटा मोटा महामच्छोने पण गड़ी जवावाड़ा तिमिंगलो समान भीष्म जेवा योद्धाओ तेमना माटे भय उत्पन्न करी रह्या हता। परंतु मारा पिता महा भगवान श्री कृष्णना चरण कमळोनी नौकानो आश्रय लईने ते महासागर ने एक वाचरडाना पगना खाडानी जेम अनायासे पार करी गया हता। महाराज मारू आ शरीर जे तमारी सामे छे तथा जे कौरव अने पांडवोना वंशना बीज रूप हतु अश्वत्थामाना ब्रह्मास्त्र थी बड़ी चुक्यु हतु, ते समये मारी माता ज्यारे भगवानना शरणमा गई त्यारे तेमणे हाथमा चक्र लईने मारी माताना गर्भमा प्रवेश कर्यो अने मारी रक्षा करी। मात्र मारी ज वात नथी, तेवो समस्त शरीरधारीओनी अंदर आत्मरूपे रहीने अमृतनु दान करी रह्या छे अने बहार काळ रूपे रहीने मृत्युनु। मनुष्यना रूपमा प्रतीत थवुं ए तो तेमनी एक लीला छे। हे गुरुदेव, आप एज ऐश्वर्य अने माधुर्य पूर्ण परिपूर्ण लीलाओनु वर्णन करो। भगवान तमे हमणाज कह्यु हतु के बलरामजी रोहिणीना पुत्र हता, त्यारबाद देवकीना पुत्रोमां पण तमे तेमनी गणतरी करी। बीजू शरीर धारण कर्या विना बे माताओना पुत्र थवुं कई रीते संभव छे? असुरोने मुक्ति आपवा वाड़ा अने भक्तोने प्रेमनु वितरण करवा वाड़ा भगवान श्री कृष्ण पोताना वात्सल्य स्नेह थी भरेला पितानु घर छोड़ीने व्रजमा केम चाल्या गया? यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभुए नंद वगैरे गोप बंधुओनी साथे क्या क्या निवास करियो? ब्रह्मा अने शंकरना ऊपर पण शासन करवा वाड़ा प्रभुए व्रजमा तथा मधुपुरी एटले के मथुरामा रहीने कई कई लीलाओ करी अने महाराज तेमणे पोतानी माताना भाई मामा कंसने पोताना हाथे शा माटे मारी नाख्यो? ते मामो होवाने कारणे तेमना हाथे मरवा योग्य तो न हतो।
मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करीने द्वारकापुरी में यदुवंशीओनी साथे तेमणे केटला वर्षो सुधी निवास कर्यो अने ते सर्वशक्तिमान प्रभुनी केटली पत्नीओ हती। हे मुने, मैं श्री कृष्णनी जे जे लीलाओ विषे पूछ्यू छे अने जे नथी पूछ्यू ते बधी लीलाओ तमे मने विस्तारथी कही संभळावो। केम के तमे बधुज जानो छो अने हूँ खूब श्रद्धा साथे ते सांभळवा इच्छु छूं। भगवान, अन्ननी तो वात ज सी छे, मैं तो जड़नो पण परित्याग करी दीधो छे, छता पण ते असह्य भूख तरस एटले के जेना कारणे मैं वनमा मुनिना गड़ामा मरेलो सर्प नाखवानो अन्याय कर्यो हतो, मने अत्यारे सहज पण परेशान करता नथी, कारण के हूँ आपना मुखारविंद माथी टपकती भगवान नी सुधामय लीला कथानु पान करी रहियो छूं। श्रुत जी कहे छे, सौनक जी, भगवान ना प्रेमी जनों मा सर्वोपरि अने सर्वज्ञ श्री सुखदेव जीए परीक्षित नो आवो योग्य प्रश्न सांभळी ने तेमने साधुवाद आप्या अने भगवान श्री कृष्ण नी ते लीलाओनो प्रारंभ कर्यो जे समस्त कलयुगना दोषो ने सदाने माटे धोई नाखे छे। श्री सुखदेव जी कहे छे, भगवान ना लीला रसना रसिया राजर्षि, तमे जे काई निश्चय कर्यो छे ते बहुज सुंदर अने आदरणीय छे, केम के सर्वना हृदय आराध्य श्री कृष्णनी लीला कथा श्रवण करवामा तमने सहज अने सुदृढ़ प्रीति प्राप्त थई गई छे। भगवान श्री कृष्णनी कथाना संबंधमा प्रश्न करवाथी ज वक्ता, प्रश्न करता अने श्रोता त्रणे पवित्र थई जाए छे। जेम गंगाजीनू जड़ अथवा भगवान शालिग्रामनू चरणामृत बधाने पवित्र करी दे छे। परीक्षित, ते समय लाखों दैत्योए अभिमानी राजाओनु रूप धारण करीने पोताना असह्य भारथी पृथ्वी ने आक्रांत करी दीधी हती। तेमना माथी रक्षण मेळववा माटे पृथ्वी देवी गायनो रूप धारण करीने ब्रह्माजीना शरणमा गया। शरीरे कृश एवा गाय माताए नेत्रो माथी छलकाता आंसू साथे खेद पामीने दया उपजावतु रुदन करता करता ब्रह्माजीनी पासे जईने पोतानु संपूर्ण दुख कही संभळाव्यु। ब्रह्माजीए खूबज सहानुभूति साथे पृथ्वीनी दुख गाथा सांभळी त्यार पछी तेवो भगवान शंकर स्वर्गना अन्य प्रमुख देवताओ तथा गायना रूपमा आवेला पृथ्वी देवी ने साथे लईने क्षीर सागरना तीरे गया। भगवान देवताओना पण आराध्य देव छे, तेवो पोताना भक्तोनी सघळी अभिलाषाओ पूरी करीने तेमना समस्त दुखोनो नाश करी दे छे, तेवो ज जगतना एकमात्र स्वामी छे। क्षीर सागरना तीरे पहुंचीने ब्रह्मादि देवताओए परम पुरुष सर्वांतर्यामी भगवाननी पुरुष सूक्त द्वारा स्तुति करी। स्तुति करता करता ब्रह्मा जी समाधिस्थ थई गया। तेमणे समाधि अवस्थामा आकाशवाणी सांभळी त्यार पछी जगतना रचयिता ब्रह्मा जीए देवताओने कह्युं, देवताओ, मैं भगवाननी वाणी सांभळी छे, तमे लोको पण तेने हमणां ज मारी पासेथी सांभळो अने पछी ते प्रमाणे करो। भगवाननी आज्ञाना पालनमां विलंब न थवो जोईए। भगवान पृथ्वीना दुखने पहलेथी ज जाणे छे, तेवो ईश्वरना पण ईश्वर छे, तेथी पोतानी काल शक्ति द्वारा पृथ्वीनो भार उतारता रहीने ज्यां सुधी पृथ्वी पर लीला करे त्यां सुधी तमे लोको पण पोतपोताना अंश साथे यदुकुळमां जन्म लईने तेमनी लीलाओमां सहयोग आपो। वसुदेवजीना घरे स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रगट थशे, तेमनी अने तेमना प्रियतमानी सेवा माटे देवांगनाओ पण जन्म ग्रहण करे। स्वयं प्रकाश भगवान शेष नारायण पण जेवो भगवाननी कला होवाथी अनंत छे, अनंतनो अंश पण अनंत होय छे, अने जेमना सहस्र मुख छे भगवानना प्रिय कार्यो करवा माटे तेमनाथी पहला ज तेमना मोटा भाईना रूपमा अवतार ग्रहण करशे। जेणे समग्र जगतने मोहित करी राख्यो छे ते भगवाननी ऐश्वर्यशाळी योग माया पण
ભગવાનની આજ્ઞાથી તેમના લીલા કાર્યો સંપન્ન કરવા માટે અંશરૂપમાં અવતાર ગ્રહણ કરશે. શ્રી શુકદેવજી કહે છે, પરીક્ષા